आपने बहुत सारी नमकीन खाई होगी जो एकदम चटपटी होती है, बढ़िया सी होती है, लेकिन आज हम ये मार्केट जैसे बनी हुई एकदम लजीज, एकदम बहुत ही कम समय में बनाने वाले हैं ये नमकीन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं कच्चे केले। कच्चे केले को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, थोड़ा धुल लीजिएगा, अच्छे से इसको साफ कर लीजिएगा और फिर इसको कट कर लेना है। इसमें एक मिनट लगता है जिससे कि आप इसको आसानी से कट कर लीजिएगा। और कट करने के बाद हम आपको एक ऐसे टिप्स बताएंगे कि जिससे कि आपका जो केला है वो काला नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने जब केले को छील लिया है, फिर इसके बाद आप इसमें नींबू रगड़िए। नींबू रगड़ने से ये होगा कि कच्चा जो केला है वो काले नहीं पड़ेंगे और आपकी जो नमकीन बनेगी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इससे कोई टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा और टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे तीन केले को आपने छील लिया है। अब कद्दूकस की जो मोटी वाला ग्रेटर होता है उससे आपको ये ग्रेट करना है। ये बस दो मिनट में हो जाएगा। इसमें कोई तीम झाम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही अच्छी नमकीन है। इसको आप ज़रूर बना के देखिएगा, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, एकदम मार्केट जैसी नमकीन लगेगी। अब गर्म कीजिएगा तेल और जो आपने कद्दूकस किया है केले को अच्छे से डाल दीजिए। आपका जो तेल का फ्लेम होगा ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो, अच्छे से इसको आप मीडियम फ्लेम पे इसको आपको तलना है। अच्छे से इसको डाल दीजिएगा और धीरे धीरे इसको होने दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, इसका धीरे धीरे जो कलर है वो एकदम चेंज हो जाएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देखोगे कि इसकी जो क्रिस्पनेस है वो भी बरकरार रहेगी, अच्छे से ये हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे ये हो रहा है, इसका जो चेंज हो जाएगा कलर, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये चेंज हो जाएगा। इसको आप कलची की सहायता से इसको आप हल्की हाथ से चलाइएगा। अब मसालेदार चटकारा बनाने के लिए लेते हैं एक बाउल। बाउल में डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से इसका रंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पे आपको स्वाद के अनुसार डालना है नमक। आप स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। अच्छे से क्या करिएगा, फिर इसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा काला नमक भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक डालिएगा और फिर यहाँ पे आपको डालना है थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, बहुत ही बढ़िया देगा। देखिए यहाँ पे चाट मसाले में नमक होता है, इसलिए आप नमक थोड़ा कम डालिएगा अपने हिसाब से। अब इन सारी चीज़ों को आप मिला लीजिएगा। आपका चटकारेदार मसाला बन करके हो गया है तैयार। अब देखते हैं कि जो फ्राई हो रहा था केला, ये हो गया है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये हो रहा है, इसका रंग देखिए कितना चेंज हो गया है। अभी ये दो मिनट के लिए और भी फ्राई करिएगा ताकि थोड़ी क्रिस्पनेस और भी बढ़ जाए, बहुत ही टेस्टी आ जाएगा इसका रिजल्ट। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के बारे में आप बात करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा आपके सामने। अब क्या करिएगा, एक मिक्सिंग बोल में आप इसको कर लीजिएगा ट्रांसफ़र। अब ये देखिए, अब आपको करना है, आप पहले एक टिश्यू पेपर में, आप एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखिएगा, फिर इसको निकाल लीजिएगा, फिर आप मिक्सिंग बोल में रखिएगा इसको और फिर आपको क्या करना है, भुनी हुई, ये देखिए कितनी क्रिस्पनेस है, कितनी बढ़िया है। अब आपको भुनी मूँगफली को इसमें डाल देना है। यहाँ पे आप देखिएगा, जो आपने लगाया है मसाले एकदम चटकेदार बनाया है इसको आप डाल दीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा मिक्स मिक्स मिक्स। आपकी एकदम हाइजीनिक, एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल कह लीजिए या फिर मार्केट स्टाइल कह लीजिए, आपकी नमकीन एकदम 10 मिनट के अंदर हो गई है तैयार। खाइए, पीजिए, मज़े करिए इस बरसात के मौसम में और प्रदा हेल्दी किचन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। खाए पिए मज़े करिए और प्रदा हेल्दी किचन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप किस शहर से हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।